अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लविंग मॉम। और आज का स्टार्ट कर रही है मिशी अपनी कुकिंग के साथ, और बहुत मज़े की इसने बातें की हैं और बहुत मज़े से इसने कुकिंग की है इसमें। मिशू आप बहुत क्यूट बेबी लग रहे हो। मिचू आप कौन सी पुडिंग बना रहे हो? अच्छा ये हमने ली है कस्टर्ड, और अब मिशी इसको मिक्स कर दी जाएगी। ये क्रीम को मिशी अब ये डालो, मामा मिक्स करते हैं। मिशी ये किसके लिए बना रही है? मामा के लिए बना रही हो? अब मिशी मामा बीच करेंगे और आप ये डालोगे वॉलनट्स एंड बादाम। छोटा छोटा मजे की लगती है। ठीक है सारी डाल दो और इसको मिक्स कर लो। चप चप एक मिनट। और ये हम बना रहे थे 3 मिनट कस्टर्ड, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। और रोज़े में अगर मॉम्स नहीं चाह रही कि वो जाके पकाएं कस्टर्ड को, तो इसमें ये है कि आप एक बाउल मिल्क का लें, उसमें 2 टेबलस्पून आप कस्टर्ड पाउडर के डालें और 2 टेबलस्पून आप उसमें चीनी ऐड करके और उसको मिक्स करके आप 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लें, तो आपकी कस्टर्ड तैयार हो जाएगी। अच्छा दूसरा ये कि विंग्स मैंने फ्रोज़न रखे हुए थे, क्योंकि ये इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने किस तरह से इन पे क्या क्या लगाया था और इनको फिर मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अच्छा बहुत सारा फूड इस वजह से ही फ्रीज़ करके रखा था ताकि रमज़ान में बहुत आसानी रहे मुझे। तो इसको ये है कि मैं सिंपली इसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ़ इसको फ्राई करके भी खिला सकते हैं, लेकिन इसकी एक हनी गार्लिक वाली सॉस बनती है जो कि बहुत ही मज़े की होती है और मनाहिल मिशाल को बहुत पसंद है, तो मैं वो बनाकर और उसमें ही इसको बिल्कुल कोट कर लूँगी और फिर इनको दूँगी। तो इसमें ये था कि रेसिपी इन विंग्स की मैंने पहले बता दी थी, लेकिन सॉस की मैंने कहा था जब मैं बनाऊँगी तो जब ही बताऊँगी। तो बेसिकली इसमें मैंने 1 कप चिली गार्लिक सॉस ले ली थी और तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल होगा इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाली थी और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने इसमें चिली सॉस डाली थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें कुछ स्प्लैशेस जो हैं वो हॉट सॉस के डाले थे और कुछ स्प्लैशेस जो हैं मैंने टबास्को सॉस के डाले थे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी ये हॉट सॉसेस कम ऐड कर रही हूँ। और अगर आप ये अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इनकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसको बस अच्छा सा मैं सिमर कर लूँगी और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1/2 कप के करीब ब्राउन शुगर ऐड की है। तो ये आप बिल्कुल मत समझें कि ये मीठा सा हो जाएगा, लेकिन एक इसका बहुत ही स्वीट एंड सावर सा टेस्ट क्रिएट होता है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। और अच्छा सा सौते कर लें। मैंने एक दफ़ा मैंने ऐड किया था, थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करके कोशिश कर रही थी कि ये देख रही थी कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, तो कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया, ज़्यादा ऐड नहीं किया,
और आखिर में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब हनी। और हनी ऐड करने के बाद मैं स्टर करूँगी और फिर चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि हनी को हमने पकाना नहीं है। तो ये जनाब बहुत अच्छी सी एक सॉस रेडी हो गई। और डेफ़िनेटली अगर आप रोज़े में नहीं हैं और रमज़ान में इसको नहीं बना रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली इसको चखे और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास वाइट सेसमी सीड्स पड़े थे, मैंने उनको ऐड किया और फिर जो मैं विंग्स फ्राई किए थे उन सबको मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लिया। तो ये वाकई में बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आपने फ्रेशली बना कर ही ये सर्व करने हैं। ये वो वाली डिश नहीं है कि आपने बना के रख दी और फिर बार बार आप गर्म करके खाएंगे, तो फिर इसका फ्लेवर जो है वो वैसा मज़ेदार नहीं रहता, ये अपना टेस्ट जो है वो चेंज कर लेता है। तो ये देखें कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, और इनका जो टेस्ट है वो KFC या पिज़्ज़ा के जो चिकन विंग्स होते हैं उनसे बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, उसके बाद अफ्तारी इसमें स्किप हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अफ्तारी हम हमेशा अपने ससुराल में करते हैं, और वहाँ पर यह है कि फेस नहीं करते बहुत से लोग, कैमरा या फेस नहीं करना चाहते, तो इसलिए वहाँ की वीडियो अभी तक मैंने कोई भी शूट नहीं की है। एनीवेज़ वहाँ से अफ्तार करके आने के बाद हम जो है वो कोई ज़्यादा नहीं खाते हैं, और थोड़ी सी हम चाय पी लेते हैं या स्नैकिंग कर लेते हैं, दैट्स इट। और सहरी में भी एक चीज़ ये है कि हम बहुत हैवी खाना नहीं खाते हैं, कि पराठे भी चल रहे हैं और फेलियाँ भी चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो मैं अपने लिए 2 किस्म की ब्रेड्स यहाँ बना रही हूँ, क्योंकि मुझसे पराठे वराठे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। तो एक मैं चॉकलेट ब्रेड बना रही हूँ और एक जो है वो मैं रेजन्स वगैरह ऐड करके और एक ब्रेड बना रही हूँ, ताकि मैं चाय के साथ इनको खा सकूं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाय के साथ ब्रेड स्लाइस ले लेते हैं, या कोई अगर सैंडविच वगैरह है शामी कबाब का तो वो खा लेते हैं, दैट्स इट। और हाँ, हम अपनी सहरी में कोई सा भी मिल्क शेक ज़रूर ऐड कर लेते हैं, या अगर हम दूध ना भी पिएं तो हम जो है शेक ना भी पिएं तो हम दूध पी लेते हैं, दूध रूह अफ़ज़ा पी लेते हैं, ताकि हम पूरा दिन जो है वो आराम से गुजार लें। बहरहाल ये तैयारी हो रही है सारी मेरी ब्रेड्स की, और मिशी जो है वो खूब जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो देर देर तक जागना और जो है वो इंजॉय करना मामा बाबा के साथ देर देर तक, और पूरी उसने वैसे फुल कोशिश की थी कि मेरी रेसिपी ख़राब कर दे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने जल्दी जल्दी बना ही ली थी। अच्छा, ये मोल्ड्स जो हैं वो मनाहिल ने दिखा रही थी कि मामा इनमें बना रही हैं, तो डेफ़िनेटली इनमें बनाना ब्रेड्स को और केक्स को ज़रा आसान रहता है, ख़ास तौर के उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता हो, क्योंकि टिन्स वग़ैरह जो हैं वो हार्ड वाटर से ख़राब हो जाते हैं, रस्टिंग हो जाती है। तो फिर मैं आजकल जो है ये प्रेफर करती हूँ इनको यूज़ करना, यूज़ किया और डिस्कार्ड कर दिया। तो बाकी अब जो है वो चॉकलेट ब्रेड बन रही है। इन दोनों ब्रेड्स में से जो मुझे ज़्यादा मज़े की ब्रेड लगी वो चॉकलेट ब्रेड लगी। हाँ, शायद इस वजह से क्योंकि चॉकलेट जो है मेरा फेवरेट फ्लेवर है इस वजह से, और बस काफ़ी देर हो गई थी मुझे बेक करते करते, और बस मैं यही कह रही थी कि 4 बजे से पहले पहले ये दोनों ब्रेड्स तैयार हो जाएं, ताकि मैं इनको सहरी में एंजॉय कर सकूं। और मिशी जो हैं, अब मैंने थोड़ा सा मिशी को कहा है कि बेटा मुझे जल्दी जल्दी काम करने दें, और मिशी जो है वो फिर भी खड़ी नहीं है मेरे पास इस इंतज़ार में कि मुझे बैटर जो है वो इसका लिक करने के लिए मिलेगा। शी लव्स टू लिक द चॉकलेट केक बैटर और द ब्रेड बैटर वगैरह। तो जल्दी जल्दी हो रहा है काम। आप लोग सहरी में क्या खाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो बचपन से ही इतना हैवी ना ही नाश्ता कर सकती हूँ और ना ही सहरी कर सकती हूँ। और बेशक मैं पहले पूरी रात से जाग रही हूँ, फिर भी मुझसे ज़्यादा जो है वो नहीं खाया जाता। और पराठे वग़ैरह तो मुझे वैसे ही कोई ख़ास पसंद नहीं है,
क्योंकि मुझे बहुत ही ऐसे लगता है कि बहुत ही कोई हैवी चीज़ आपने खा ली है। तो वैसे ही मैं पराठे वगैरह अवॉइड करती हूँ, तो फिर रमदान में तो बहुत ज़्यादा ही। हाँ, योगर्ट वगैरह जो है, फ्लेवर योगर्ट हो या लस्सी हो या शेक्स हो, ये तो मैं बहुत मज़े से खा पी लेती हूँ। तो बाकी मुझे हैरानगी होती है कि लोग किस तरह से खजला पेनी खा लेते हैं और किस तरह से इतने सारे पराठे खा लेते हैं, वो भी सालन वगैरह के साथ। मुझे तो बहुत हार्ट बर्निंग होती है, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ इन सब चीज़ों को। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या खाना पसंद करते हैं सहरी में ख़ास करके। और बहुत जल्दी जल्दी मैं जो है वो मैं अपनी ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया था और दो ब्रेड मैंने जो है वो टोस्ट की हैं और इसमें शामी कबाब लगाया और यही हाफ हाफ करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाया है। और एक एक हमने केक का स्लाइस ले लिया था और आधा आधा कप चाय का, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम बस दूध पीते हैं ताकि हमें हार्ट बर्निंग वगैरह ना हो, दैट्स इट। और ये मेरी ब्रेड टोस्ट नहीं हुई थी तो मैंने इसका टेम्परेचर हाई करके इसको दोबारा से लगा लिया। तो अवॉइड करिएगा प्लीज़ स्लैब्स, काउंटर्स वगैरह, इस वक्त जो हैं वो मेरे मैसे ही हो रहे थे क्योंकि बेकिंग वगैरह चल रही थी और साथ में ही फिर बहुत लेट नाइट भी हो गया, साथ साथ जो है वो सहरी का टाइम भी हो गया। तो ये वो वाले शामी कबाब हैं जो मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे बच्चों के लिए कि रमदान में बच्चे जब भूख लगे तो चलें शामी कबाब निकाला और सैंडविच बना के दे दिया। तो खैर, हम लोग भी इनको खा रहे हैं और ये बच्चों के जैसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए थे तो ये बहुत बेस्ट हैं सहरी के लिए। तो हाँ जनाब, ये है हमारी सहरी। जल्दी से मैंने इसको तैयार कर लिया और पिक्चर ले ली और हस्बैंड से कहा कि बस जल्दी से आ जाएं यार, बिल्कुल बहुत कम टाइम रह गया है। और साथ में ही जो है वो मेरी चॉकलेट ब्रेड भी रेडी हो रही थी और आखिर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि वो कैसी बनी। ये देखें, ये बहुत मज़े की बनी है। तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और इस वबा से हमें बचाए। फ़ी अमानिल्लाह। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।